अपने सोए हुए अरमानों को हर रोज़ उसने जगाया है, आज बुलंदियों को छूकर उसने देश को आगे बढ़ाया है। सो आज हम उस स्पोर्ट्स एथलीट की बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे भारत देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। उसका नाम है हिमा दास। आज हम हिमा दास की उस रेस के बारे में जानेंगे जो एक गांव से शुरू होकर रेस ट्रैक की फिनिश लाइन तक ख़त्म हुई। हिमा दास का जन्म 9 जैन 2000 को असम के नगाँव में हुआ। उसके पिता का नाम रंजीत दास तथा माँ का नाम जनूलिया दास है। उसके माता पिता चावल की खेती करते हैं और वह चार भाई बहनों से छोटी है। हिमा दास ने अपने विद्यालय के दिनों में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया और वह अपना करियर फुटबॉल में देख रही थी और वह भारत के लिए खेलने की उम्मीद भी कर रही थी। फिर ज्वार नवोदिया विद्यालय के शीर्षक शिक्षा के कोच शमशूल की सलाह पर उसने दौड़ना शुरू किया। शमशूल ने हिमा की पहचान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के गौरी शंकर से कराई। फिर हिमा दास जिला सतह प्रतियोगिताओं में चैंपियन हुई और उसने दो पदक भी जीते और जिला सतह प्रतियोगिता के दौरान स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के विपुल दास की नज़र उस पर पड़ी और उसने हिमा दास के परिवार वालों को हिमा को गुवाहाटी भेजने के लिए मनाया जो कि उसके गांव से 140 किलोमीटर दूर था। पहले मना करने के बाद हिमा दास के घर वाले मान गए। एथलीट के आने के बाद हिमा दास को सबसे पहले अपना परिवार छोड़कर 140 किलोमीटर दूर आकर बसना पड़ा। शुरुआती में अनेक परिवार के राजी नहीं हुए लेकिन कोच विपुल के काफ़ी जिद करने के बाद सब मान गए। फिर शुरू हुआ हिमा दास की कामयाबी का सफ़र। हिमा खान ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन एथलीट के साथ एथलीट क्लब में शामिल हो गई। नवरीश टिल्लो और नरीश चोपड़ा की तरह वह भी एक ऐसी शख्सियत बन के उभरी जिन्हें उसकी कामयाबी ने रातों रात लोकप्रिय के शिखर पर पहुंचा दिया। उसने कोच विपुल दास को पूरा विश्वास था कि उसकी शिष्य कम से कम टॉप 3 में ज़रूर शामिल होगी। अब 400 मीटर की रेस में उन्होंने अपनी ताकत का पूरी दुनिया से लोहा मनवाया है। अप्रैल 2018 को ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 4x400 की रेल के अंदर भारत को रिप्रेजेंट भी किया पर उनकी टीम 7वें स्थान पर ही आ सकी। टेम्पियर फाइनलैंड और अंडर 20 में 400 मीटर की रेस में फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास पहली भारतीय महिला बनी और तब शुरू हुई हिमा दास के मेडलों की कहानी। 2018 में एशियन गेम 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया और प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने उसे अर्जुना अवार्ड 2018 से भी सम्मानित किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन आयोजित एथलीट मीट के दौरान महिलाओं की 200 मीटर की रेस में 23.25 सेकंड में पूरा कर फिर से उसने चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया। इस रेस दौरान हिमा अपने रिकॉर्ड के बेहतरी ही करीब थी लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाई। हिमा ने जुलाई 2019 में 19 दिनों में भीतर प्राप्त किए ये 5 सोने के पदक जो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और हमें हिमा दास जैसी महान शख्सियों से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि लड़कियां कभी लड़कों से कम नहीं होती। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वह समुद्रों पर पत्थरों के पुल बना देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को।